गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है संज्ञा, ये करने जा रहे हैं। वैसे तो ये बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये इसे थोड़ा सिंपल करके नोटबुक में किया है, आप यहाँ से समझेंगे। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा ये चीज़ आपने थर्ड क्लास में भी की है, सेकेंड क्लास में भी की है, फर्स्ट क्लास में भी की है। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी नाम है किसी का, तो वो क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम भी संज्ञा का बोध कराता है, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, और वह भाव, किसी व्यक्ति के भाव होते हैं जो, वो भी संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए संज्ञा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का ज्ञान कराने या बोध कराने को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से प्रकार हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा क्या आता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर बताती हूँ। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है, वो किसी विशेष चीज के लिए स्पेशल बोला जाता है आपको, ठीक है। और जो जातिवाचक संज्ञा होता है, वो पूरी जाति के लिए होता है, किसी भी व्यक्ति की पूरी जाति, किसी वस्तु की पूरी जाति, पूरी जाति के बारे में बात होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के बारे में बोध कराते हैं, तो वो कौन सी संज्ञा कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, 5 लड़कियाँ खड़ी हैं और मुझे उनमें से एक लड़की को बुलाना है, तो मैं आपको ये कहती हूँ, वो 5 लड़कियाँ खड़ी हैं, उसमें से आप रीटा को बुला के लाओ, तो आप किसके पास जाओगे? रीटा के पास जाओगे, तभी तो आप रीटा को बुला के लाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने स्पेशल किसी का नाम लिया है, तो वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ है। और जातिवाचक में अगर मैं क्या कहती, वो 5 लड़कियाँ खड़ी हैं, उनमें से आप किसी एक लड़की को बुला के लाओ, तो क्या होता, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि मैंने लड़कियाँ बोली हैं, ना कि किसी का स्पेशल नाम लिया है। तो आपको पता चला व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जैसे अब मैं ये बोल रही हूँ कि भारत के अंदर काफ़ी शहर हैं, शहर हैं, तो आपके माइंड में एकदम शहर आएंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली शहर है, तो वहाँ पर मैंने दिल्ली बोला है, तो आपके माइंड में एकदम दिल्ली आएगा, ना कि पूरे शहर आएंगे। जब मैंने यहाँ स्पेशल बोल ही दिया है दिल्ली, तो क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही मैं कहती हूँ भारत में काफ़ी सारी नदियाँ हैं, तो नदियाँ हैं, तो वो क्या है, पूरी जाति के बारे में, पूरी नदियों के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि गंगा नदी पवित्र नदी है, यहाँ पर मैंने किसका नाम लिया, गंगा नदी का नाम लिया, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, वो मैंने पहले आपको बताया भी है थोड़ा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो विशेष व्यक्ति के बारे में बात होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की पूरी जाति का जो बोध कराते हैं, वो शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब मैं आपको कहती हूँ लड़की, लड़कियाँ या लड़की, तो लड़की से आपको क्या पता किसके बारे में बात हो रही है, तो लड़की है, सभी लड़कियाँ लड़की हैं। वही एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अगर 5 लड़कियाँ खड़ी हैं और मैं आपको कहती हूँ कि उन 5 लड़कियों में से किसी एक लड़की को बुला के लाओ, तो आप 5 में से किसी को भी बुला के ला सकते हो, क्योंकि सारी की सारी क्या है, लड़की हैं, मैंने स्पेशल नाम नहीं किसी का लिया। ऐसे ही मैं आपको कहती हूँ कि हमारे देश में काफ़ी नदियाँ हैं, मैंने स्पेशल किसी नदी का नाम नहीं लिया। ऐसे मैं कहती हूँ बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो बच्चे क्या हैं, बच्चे तो सभी बच्चे आ गए विद्यालय में, तो कोई भी विद्यालय हो सकता है, मैंने स्पेशल किसी विद्यालय का नाम नहीं लिखा। तो आपको इसमें पता चला होगा कि जातिवाचक क्या होता है, जिसमें पूरी जाति के बारे में बात होती है, और व्यक्तिवाचक जिसमें स्पेशल
किसी स्पेशलिटी, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात होती है। इसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष या भाव या अवस्था का बोध कराते हों वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे रमन बहुत लंबा लड़का है या ऊंचा लड़का है, तो ऊंचा क्या है? उसका गुण है, ठीक है, तो यह क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। इसके बाद बुढ़ापा कष्ट देता है या कष्टदायक होता है, तो बुढ़ापा क्या है? अवस्था है किसी की। मैं आपको बताती हूँ कि छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, तो छोटा बच्चा क्या है? अवस्था है उसकी, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है? अवस्था है। इसके बाद आता है बोली की मिठास काम बनाती है, यानी मिठास भी यहाँ पर क्या है? किसी व्यक्ति का गुण है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।